गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो इन प्रीवियस लेक्चर वी कैन लर्न अबाउट सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, एंड ऑल्सो वी कैन लर्न अबाउट एलॉयज. क्या एलॉयज कैसे बनते हैं? सो बच्चों, इन दिस लेक्चर वी आर लर्निंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 9, 10, 11, 12. ओके, सो ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझना है. अभी कॉन्सेप्ट जो लाएगा इसमें रट्टा नहीं मारना है. ओके, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल देखते हैं. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तो वो कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? प्रोपोर्शन ऑफ जी, प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपोर्शनल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वेराइड इन सॉल्यूशन. तो ये बच्चों ये सेंटेंस क्या बताता है हमको कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों पे ही डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन, राइट? अगर सॉल्यूट ज़्यादा डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, अगर सॉल्यूट ज़्यादा डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, सो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मोर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज. अगर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर कम डिजोल्व होता है, यानी कि उसको डाइल्यूट भी बोल सकते हैं हम. ओके, सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस, डिक्रीज, कम होती है. किससे? ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है, राइट? सो इट डिपेंड अपॉन, सो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड अपॉन सॉल्यूट. जिसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, पूरा का पूरा सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड है. ओके, अगर आप हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके, जैसे रेफरेंस बुक के अंदर लिखा हुआ होता है कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड अपॉन सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. इतना देखो अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये सॉल्यूट किस में होगा? सॉल्यूशन में ही तो होगा, बाहर थोड़ी ना होगा. तो द कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड अपॉन सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. ओके, ये हमारा मेन थीम है, राइट? तो इसके ऊपर एक इक्वेशन भी बनता है बच्चों. ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन ओके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जितना सॉल्यूट बढ़ेगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी. अगर सॉल्यूट कम होगा, कम डिजोल्व होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगी. पता चला? ये आप इक्वेशन के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो, आप मेमोराइज कर सकते हो, राइट? सो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो उसके ऊपर चलते हैं बच्चों. मैं यहाँ पे ये साफ कर देता हूँ. सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत ईजी टॉपिक है, गारंटी आपको पता चल जाएगा. सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बहुत इजी है, नाम बड़ा है सिर्फ, लेकिन जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है बहुत ही इजी है. तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे. मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ड्रॉ करके, फिगर ड्रॉ करके, गारंटी आपको समझ में आ जाएगा.
डेफिनेशन में नहीं जाना है अभी, सिर्फ प्रॉपर्टी देख लो, इसकी फिगर देख लो, गारंटी समझ में आ जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे एक बीकर लिया और यहाँ पे हम ग्लास है और बीकर है, बीकर के अंदर हमने भरा वाटर, क्या लिया बच्चों, वाटर लिया। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सॉल्ट डालते हैं, क्या डालते हैं बच्चों, सॉल्ट। इसके अंदर हमने सॉल्ट डाला, नाउ व्हाट वी कैन डू, कि थोड़ा हिला दिया उसको, स्टर कर दिया, ये सॉल्ट डिजोल्व, फिर से थोड़ा सॉल्ट डाला, फिर से स्टर कर दिया डिजोल्व, फिर से सॉल्ट डाला, स्टरिंग कर दिया डिजोल्व, फिर से सॉल्ट डाला, स्टरिंग कर दिया डिजोल्व। बट एक टाइम ऐसा आता है कि और मैंने सॉल्ट डाला, फिर से स्टर किया, नो डिजोल्व। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सॉल्यूट है, ये सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट नो मोर डिजोल्व, इन दिस सॉल्यूशन कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कितना इजी, मैंने बोला ना एग्जाम्पल थ्रू सीखो, आपको रट्टा मारने की ये डेफिनेशन है, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनी टाइम, ओके, ये आपको ऐसे ही आ जाएगा। वन मोर थिंग, हम इससे भी एक स्टेप अभी ऊपर चलते हैं कि सॉलिड अभी डिजोल्व नहीं हो रहा है, बट अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो बीकर है उसको हीट देते हैं नीचे से, क्या देते हैं बच्चों, हीट देते हैं। ये भी ये क्या हुआ है भाई, सैचुरेटेड ही है बच्चों, अभी ये सॉल्यूशन क्या है बच्चों, सैचुरेटेड ही है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या दिया हमने, हीट दिया, प्लस हीट। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट देते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चों, अनसैचुरेटेड। यही तो सारे बच्चे लोग इसी में तो कंफ्यूजन करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया तो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब उसकी जब जब टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सो एज वेल एज इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजिंग, देन सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज, पता चला। तो जब हीट करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो जब थोड़ा 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हीट दिया तो हम मोर सॉल्ट वी कैन ऐड इट, मोर सॉल्ट वी कैन ऐड इट, हम ज़्यादा सॉल्ट अंदर डिजोल्व कर सकते हैं, पता चला। देन इसमें फिर से ऐसी कंडीशन आ जाए कि नो मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व, यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाए कि नो मोर सॉल्यूट वी कैन डिजोल्व, सो वॉट हैपन, दैट इज द टाइम दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तब वो सॉल्यूशन क्या हो गया होगा बच्चों, कि और सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, तो वो सॉल्यूशन हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पता चला। अगर हम इसको कोल्ड चिल कर देते, ठंडा कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, 110% सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके, पता चल गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। नाउ वी कैन गो टू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बच्चों, सिंपल बेस्ट एग्जांपल, मान लो ये हमने बीकर लिया, बीकर के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ 100 ग्राम सॉल्ट डालने से, ये हो गया सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं, सेम बीकर, अगर मैंने उसके अंदर 90 ग्राम सॉल्ट डाला तो वो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया अभी, अनसैचुरेटेड, कैसे अनसैचुरेटेड कैसे हो गया, ताकि इसके अंदर अभी भी सॉल्यूट डिजोल्व होने की कैपेसिटी है, इसके अंदर अभी भी सॉल्ट डिजोल्व करने की अभी कैपेसिटी है इसके अंदर, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि 110% भी सैचुरेटेड नहीं हुआ है, इसके अंदर भी सॉल्यूट
डिजोल्व कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, सैचुरेटेड इसमें नहीं कर सकते, सैचुरेटेड हीट करके भी हमने सॉल्युबिलिटी बढ़ा के भी इसको फिर से सैचुरेटेड कर दिया बच्चों, पता चला। तो इसके अंदर यह है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आई होप कि ये आपको 110% पता चल गया होगा कि सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं। सेकंड थिंग्स के बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड की, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की सैचुरेशन अलग अलग होते हैं। ये फटाफट से सैचुरेट हो जाता है, कौन, सॉल्ट। अगर हाँ सॉल्ट की जगह पे शुगर लेते हैं तो फटाफट से सॉल्यूट नहीं होगा, फटाफट से डिजोल्व नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, इट टेक्स टाइम, तब उसकी जगह पर जो सॉल्ट है वो फटाफट से डिजोल्व हो जाएगा। अगर आपको एक एक्टिविटी करनी है तो कर सकते हो, घर पे जाके एक छोटा सा बाउल ले लेने का, बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी लेने का, सिर्फ 10 ml, 10 ml वाटर, क्या लेने का, 10 ml वाटर। और उसके बाद हमारे घर पे सॉल्ट तो रहता है, सॉल्ट, तो सॉल्ट डालने का, स्टर करने का, देन यू कैन सी कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि नो मोर सॉल्ट कैन डिसोल्व इन दिस वाटर। दैट इज जब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये डिसोल्व हो रहा है, इट मीन्स इट इज अनसैचुरेटेड। एक हमारी लाइफ से कंपेयर करें, हमने खाना खाया बट अभी भी मैं कुछ खा सकता हूँ, इट मीन्स अनसैचुरेटेड। बट मैंने खाना खाया और उसके बाद मेरे सामने पिज़्ज़ा रख दे, बर्गर रख दे, कॉफ़ी रख दे, चाय रख दे, कोल्ड कोको रख दे, कुछ भी रख दे, लेकिन मैं अभी अंदर नहीं जा सकता कुछ भी, तो दैट इज, दैट मीन आई एम सैचुरेटेड, आई एम सेटिस्फाइड। क्लियर कॉन्सेप्ट? अभी इसमें किसी भी बच्चे की गलती नहीं होनी चाहिए इन एनी सिचुएशन। ओके, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, क्लियर है? अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट है बच्चों, वो हम देखते हैं अभी। ओके, जो सॉल्यूशन है, ओके, तो उसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन है उसको टू टाइप में हम डिवाइड करते हैं कि उसको कैलकुलेशन कैसे किया जाए। कॉन्सेंट्रेशन को दो टाइप में डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं। तो मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को दो तरफ से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज परसेंटेज वेट पर वेट, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वेट अभी नेक्स्ट आएगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज मास बाय मास, ताकि हम लिख सकते हैं उसको मास बाय मास, यानी कि परसेंटेज, W by W, वेट पर वेट भी उसको बोल सकते हैं, मास और वेट, सिर्फ डिफरेंट कितना है, मैंने आपको पढ़ाया था, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज तो डिफरेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और नेक्स्ट जो हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज मास यानी कि वेट, W पर वॉल्यूम पर V। ओके, सो बच्चों इट इज वेरी सिंपल।
तो अगर हम इसका दोनों का जो फॉर्मूला लिखना चाहे तो हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, मैं आगे भी लिखा था यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई विथ 100, पता चला। तो एग्जाम में क्या करेगा, कहाँ तो वो मास दे देगा हमको सॉल्यूट का, तो और सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मास दे देगा, तो परसेंटेज मिल जाएगा। ये तीनों में से दो वैल्यू देगा, कहाँ तो वो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दे देंगे और मास ऑफ सॉल्यूशन दे देंगे, तो सॉल्यूट मिलेगा हमको। अगर सॉल्यूशन का मास और परसेंटेज दे देंगे तो सॉल्यूट मिलेगा हमको। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, W बाई वी यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट, W यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, V है वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100। बच्चों भी आपको पता चल गया होगा कि कितना इजी है ये सब सारी चीज़, यानी कि ये भी किस में होगा बच्चों, ग्राम में, ये किस में होगा बच्चों, ml में, मिलीलीटर, ये किस में होगा बच्चों, सॉल्यूट ग्राम में, ये भी किस में होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में बच्चों। ओके क्लियर है, अभी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा बट ये ग्राम में होता है, ये भी ग्राम में, ये ग्राम में, ये ml में, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वन इज वॉल्यूम। ओके सो आई होप कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको पता चला होगा, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ओके यानी कि वेट पर वेट भी लिख सकते हैं, मीन्स यानी कि ये मास इसका भी मास। ओके यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम यानी कि वेट बाय वॉल्यूम भी हम बोल सकते हैं। क्लियर, तो ऊपर सॉल्यूट आता है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, कितना इजी है। इसके ऊपर सम भी आएंगे, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी कि कल के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, एग्जांपल्स करेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना। तो बी रेडी फॉर एग्जांपल्स, एंड ये वीडियो आप सबको भी भेजना है ताकि सारे बच्चे सीख सके, पढ़ सके अच्छे से, विथ शॉर्टकट ट्रिक आप देख रहे हो, बहुत ही ईजी है, केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट होगा अगर दुनिया में तो कौन सा होगा, केमिस्ट्री है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो गारंटी आपको आ जाएगा, कुछ भी आप कर सकते, बहुत ईजी है। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।